हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो रिव्यू वीडियो होने वाला है। एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आपने अपने रॉकर जो मैंने तक्ष के लिए रॉकर लिया है 12-in-1 का, वो मैं आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करूं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो वही मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वो कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स हैं उसके और क्या क्या काम में आ सकता है और क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ है और क्या क्या सामान उसमें मुझे रिसीव हुआ था, वो सभी मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आप सभी को ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगे और मैं क्या फील करती हूँ ये प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी मैं आप सभी के साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है वो रॉकर जिसके बारे में आप पूछ रहे थे और ये है मामा लव मी का है। ये मामा लव मी और ये क्यूट सा बेबी बना है, बॉल, और ये डॉगी बना हुआ है। बहुत कंफर्टेबल है ये और बहुत क्यूट भी है। सो ये इसके साथ ये टेडी बियर आया था ताकि बच्चा खेले इसके साथ। और ये इस तरह से ये हैंडल है, आप इस हैंडल को पकड़कर लेकर जा सकते हो कहीं भी और ये यहाँ से टाइट हो जाता है। आपको अगर इस पोजीशन में रखना है तो ये यहाँ पर आप टाइट कर दीजिए दोनों तरफ से। सो ये हो गया, तो अब ये हिलेगा नहीं इधर से उधर। सो ये जो इसकी गद्दी की बात कर लें तो ये भी काफ़ी कोजी सी है और काफ़ी कंफर्टेबल है और वॉशेबल है। ये मैं इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ वॉशिंग मशीन में। और ये आता है, आप बेबी को यहाँ पर लिटा दीजिए और इसमें ये आप बांध दीजिए ये इससे, तो बेबी सिक्योर हो जाता है कि मतलब खिसके विसके नहीं, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा खिसकने लग जाता है तो वो नीचे तक आ जाता है, तक्ष भी थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं इससे ये उसको बांध देती हूँ, मतलब बच्चा बंधा हुआ फील नहीं करता, लेकिन हाँ नीचे खिसकेगा तो वो खिसकने से रोकेगा ये। और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है और ये काफ़ी मतलब चुभने उभने वाला नहीं है। तक्ष इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और यहाँ पर आप ये देखें तो ये बैक साइड है और ये बैक साइड में ये स्टोरेज दिया हुआ है। मैं आप सभी को दिखा दूं, जैसे आप कहीं जा रहे हो लेकर तो यहाँ पर कुछ सामान रख सकती हो, जैसे डायपर रख लिया या काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। और जब बेबी मतलब आप बेबी को इसमें लिटा देते हो तो यहाँ पर ये एक ये दिया गया है, आप इसको निकाल दो तो आप इसको बजाओगे तो इस तरीके से साउंड आता है। इस तरीके से आता है ये। और इसमें ये फंसाने के लिए ये दिया गया है, ये आयरन की वो बना हुआ है। इससे क्या होता है, ये इसमें फंसा दिया है तो ये निकल भी जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है। मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी। तो इसमें आप अगर बेबी को सुला देते हो तो क्या होता है ना कि ये बच्चा थोड़ा सा करवट वगैरह बदलता है तो ये इस तरीके से होने लग जाता है, तो बच्चा फील करता है जैसे गोदी में है और काफ़ी कोजी सा फील करता है इसमें लेट कर। तो मुझे ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा लगा ऑप्शन। और ये जो है इस तरीके से है, आप इस तरह से कवर कर सकते हो, ये यहाँ पर लग जाती है, ये इस तरीके से कवर कर सकते हो आप। और ये नेट इसके साथ आती है, नेट आप इस पे पहना सकते हो। तो इस तरीके से आप नेट मस्कीटो नेट है ये, आप यहाँ पर ये लगा सकते हो तो बच्चे को मच्छर वगैरह भी नहीं काटेंगे अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो। घर में मैं नहीं लगा के रखती हूँ, मैं इसको ये निकाल देती हूँ।
और फ्रेंड्स इसके साथ मिलती है ये रोज, तो आप इसको इससे लगाकर झूला भी बना सकते हो। तो वो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। सो ये रोब्स इसी के साथ आती हैं। आप इसको एज अ फ्रेंड्स इसको आप एज अ बाउंसर यूज़ कर सकते हो, इसको आप गाड़ी की सीट में रख सकते हो। आप इस तरीके से बस इसको निकाल दो, सो इजीली ये यहाँ से निकल जाता है। तो ये निकल चुका है और आप इसको एज अ कार सीट यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से कार में फिट हो जाती है। और आप इसमें फीडर भी है ये, तो आप इसको इसमें फीड भी करा सकते हो बच्चे को, फीडिंग चेयर का भी काम करती है। और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो जैसे अभी रखा हुआ है, बच्चा इसमें भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। और इसमें ये दिए गए हैं इस तरह के प्लास्टिक के, आप इसको ये निकालते हो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो मैं और यहाँ से ये इस तरीके से कवर करा हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये रिमूव हो जाती है गद्दी। आप इसको वॉश भी कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल में बनी हुई है। और मैंने इसको वॉश किया तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और इसको आप एज अ बाथ टब यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से और यहाँ पर देखिए ये फोर होल्स बने हुए हैं, तो इनसे ये पानी ड्रेन होता रहता है और आराम से आप बच्चे को नहला सकते हो। और यहाँ पर ये इस तरीके की ये शीट लगी हुई है जिससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता है। और इसमें जो ये पीछे ये दिया गया है स्टोरेज, आप इसको निकाल भी सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, आप इनसे निकाल भी सकते हो। और यहाँ पर ये हुक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप ये चारों हुक्स हैं, चारों हुक्स में वो रोब लगा देंगे तो ये एज अ झूला भी हो सकता है। सो देखिए इसको ऐसे इसमें फंसाना होता है बस। और ये इस तरीके का इसमें ये दिया गया है, हाफ कवर ये कर देता है और हाफ नेट लगकर हो जाता है। तो मैं ये इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सो मैं यहाँ पर आपको तक्ष को लिटाकर दिखाती हूँ। सो देखिए कुछ इस तरीके से रहता है और इस तरीके से ये बाउंस होता रहता है। हाय तक्षो, तक्ष तक्ष, हाँ हाँ, सो स्वीट, मिला बच्चा। तो देखिए इस तरीके से ये बेबी सिक्योर हो जाता है, सेफ्टी पर्पज से है ये। और जब आप कार में बिठाते हैं तो भी आप इस तरीके से लगा के रख सकते हैं ताकि कोई मतलब बच्चा सेफ रहे। और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी लूज़ है ये। और मैंने इसको ये यहाँ पे टाइट अप किया हुआ है और ढीला भी हो सकता है। तो ये एक से मतलब जीरो से डेढ़ साल तक के बच्चे के लिए है, 15 केजी के बच्चे तक मतलब बैठ सकता है इसमें। सो ये स्टार्ट। सो फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी ये ग्रिप के लिए, ये काफ़ी अच्छा होता है, इससे ये इधर उधर भागता नहीं है। सो ये ग्रिप बंधा कर रखता है। और इसमें क्या क्या सामान मिला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और सो फ्रेंड्स इसमें ये टॉय इसके साथ ही आया था, ये टेडी बियर, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको भी वॉश कर चुकी हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसकी क्वालिटी में, या कहीं से खुला हो या कुछ भी हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये नेट इसके साथ ही आई है, इस नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये रोब्स आए हैं इसके साथ ही। तो ये दो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ, ये तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं की हूँ, नेट तो एक दो बार लगाई भी है। तो बस इस तरीके से आता है। और इसकी जो प्लास्टिक है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पर आप कोई और टॉय भी डाल टांग सकते हो, काफ़ी सारे टॉयज़ आते हैं। तो मैंने तो यही कभी टांग देती हूँ, कभी
खेलने को उसको अलग से दे देती हूँ। सो ये सब सामान आता है, 1700 का पड़ा था मुझे ये। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये रिव्यू। सो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके का है ये 12-in-1 रॉकर। जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे कहीं भी यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे, बट मुझे कोई रिव्यू इस टाइप का नहीं मिला। और उसके नीचे भी मैंने देखा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा परचेज करूं कौन सा नहीं करूं। बट मैंने रिस्क लेकर ये वाला मंगाया और मैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है मुझे अभी तक। और आगे फीडर वगैरह का कैसा क्या रहता है वो मैं आगे कभी शेयर करूँगी आप सभी से। और एज अ बाउंसर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज अ बाथ टब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तक्ष जब तक अपनी गर्दन होल्ड नहीं कर पाता था, 2.5-3 महीने का था, 3 महीने का था, तब तक 3 महीने तो बिल्कुल भी इसमें लेटता ही नहीं था। मुझे लगता था कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए इसमें, बट अभी वो काफ़ी इंजॉय करता है, उसमें लेटा दो तो काफ़ी देर तक लेटा रहता है। बट मैं जब भी काम कर रही होती हूँ तो उस टाइम में या तो मैं किचन में ले जाकर रख लेती हूँ या फिर इधर बाहर टीवी के थोड़ा दूर मतलब रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा इंजॉय कर पाए, या विहान के पास बिठा देती हूँ। तो इसमें या तो गिरने का डर रहता है, अभी जैसे तक्ष क्रोल होने लग गया है तो मुझे बहुत डर लगा रहता है कहीं को गिर ना जाए, तो मैं दीवान पे बिल्कुल भी लिटाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसमें रहता है तो मुझे कम मतलब एक सुकून रहता है कि हाँ चलो ठीक है उसमें बैठा हुआ है, तो वो चीज़ आ जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और मैं इसमें इसको सुलाती हूँ ना तो मतलब बच्चा एक गोदी में जैसे रहता है ना उस टाइप से फील करता है। बट मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी आप बहुत देर के लिए मत रखिएगा, 1-2 घंटे ठीक है, उससे ये नहीं कि पूरा दिन आप उसमें रख रहे हो तो वो मत करिएगा। और इसकी जो प्राइस है वो था मुझे 1700 का पड़ा था ये, सो मुझे रीज़नेबल लगता है। और आगे जो जो प्रोडक्ट मैं तक्ष के लिए लूँगी वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा और ये हेल्पफुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।